हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली फ्रॉम द चैनल बी प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। आज की जो ये वीडियो है ये आपके यूनिट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से ली गई है, जिसे हम कहते हैं आईसीटी। आईसीटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कंप्यूटर्स के बारे में कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपके जो टॉपिक है वो है आपके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। इन दो टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में इसीलिए लिया है बिकॉज अगर मैं इन्हें अलग अलग से समझाती तो आप इजीली समझ ना पाते कि ये क्या है, ठीक है। इसलिए हम प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज हमारे प्रोसेसर्स हैं उनके लिए पहले स्टडी करना जरूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये दोनों ही टॉपिक्स आपके नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, जिसके थ्रू प्रोग्रामर्स जो है वो नए नए प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, नए नए प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं इन द पीसी। ओके, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से प्रोग्रामर्स नए नए प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, दैट इज ऑल्सो ए प्रोग्राम। ओके, एवरीथिंग इज इन अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम। ओके, तो प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए क्या यूज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड सेकेंड टॉपिक जो हमारा होगा वो यहाँ होगा हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलें तो ये एक तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर मीन्स जो एक लैंग्वेज को फर्दर दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ये होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। बिकॉज लैंग्वेजेस जो है वो हर एक को समझ नहीं आती कि वो क्या लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने क्या किया है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्रिएट कर रखे हैं, जिसके थ्रू हम जो है लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में प्रोसेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की जो ये वीडियो है हम जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। वो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज, सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम इन शॉर्ट HLL भी कह देते हैं। ओके, तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है हमारी मशीन लैंग्वेज, सेकेंड है असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम इन तीनों को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, सेपरेटली पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। ओके, यस, सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे मशीन लैंग्वेज। इसके अंदर क्या लिखा गया है, इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर को समझ आने वाली जो लैंग्वेज है ये सिर्फ एक अकेली लैंग्वेज यही है जो कंप्यूटर को समझ आती है, इसलिए हम इसे कह देते हैं मशीन लैंग्वेज। प्रोग्रामर्स देयरफॉर यूज आइदर अ हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसलिए प्रोग्रामर्स जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हैं ज्यादातर, बिकॉज ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर को अच्छे से समझ आती है बट हमें जो है थोड़ा सा मुश्किल होती है समझनी, इसलिए प्रोग्रामर्स जो है वो दूसरी टाइप्स की लैंग्वेज का ज्यादा यूज करते हैं। इन दिस ईच स्टेटमेंट इज इन द सीक्वेंस ऑफ बिट्स। इसके अंदर जो सारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो बिट्स की फॉर्म में होती है, जीरो और वन की फॉर्म में होती है, इसलिए ये टोटली इम्पॉसिबल है जो पर्सन के लिए समझना, ह्यूमन के लिए समझना और इसे यूज करना। इसीलिए प्रोग्रामर्स जो है वो बाकी टाइप्स की लैंग्वेज का यूज करते हैं बिकॉज उनके लिए इस टाइप की लैंग्वेज का यूज करना इम्पॉसिबल है। ओके, मशीन लेवल लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, तो ये सब कुछ आप पूरा ध्यान से सुनिए और पूरे ध्यान से नोट करते जाइए। मशीन लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज की तरफ हम चलते हैं जो कि है, यस, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। अब बिकॉज हम सेकेंड पार्ट पे आ गए हैं तो ये हमारी जो है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है। ओके, इट कंटेन्स द सेम इंस्ट्रक्शंस एज ए मशीन लैंग्वेज। इसके अंदर भी क्या होता है, बिल्कुल मशीन लैंग्वेज जैसे ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरिएबल्स हैं हैव नेम्स इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट नंबर्स। उसमें सिर्फ नंबर्स नहीं होते, जीरो और वन, उसके अंदर कुछ ना कुछ नेम्स भी यूज किए गए होते हैं असेंबली लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं। डेट मीन्स
हम कोई अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं और एक नेम क्रिएट करते हैं. सो इट्स इंस्ट्रक्शंस आर रीडेबल, इसलिए जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो रीडेबल है बाय अ ह्यूमन. ह्यूमन जो है, जो हमारा पर्सन है कोई भी, वो इसे इजिली रीड कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स लाइक मूव MOV एंड ADD आर मोर रिकॉग्नाइजेबल देन सीक्वेंसेस ऑफ 0 और 1. बाय चांस आप देखिए, अगर ऐसे लिखा गया है 010010, ओके, तो इससे हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा गया है. बट अगर लिखा गया है ADD एड, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है वो एडिशन का होने वाला है. इस तरह से हम जो है वर्डिंग से समझ जाते हैं, रीड कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम्स को कैसे बनाया जा सकता है. तो इसलिए ट्रांसलेट जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं वो इसका काफी यूज करते हैं. नेक्स्ट जो हमारी लास्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज आ जाती है वो है हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज को जैसे कि मैंने बताया ही था आपको कि इसे HLL भी कहा जाता है. HLL जो है मोस्टली यूज बाय द प्रोग्रामर्स, इसे प्रोग्रामर्स के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. ओके, जो लैंग्वेज है HLL की वो हमारी क्या है, जावा, C++ या पे स्टडी की होगी. तो ये जो है हमारी एग्जांपल्स हैं, आपने कहीं ना कहीं इनके नेम तो सुने होंगे. ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स ही है हमारी जावा लैंग्वेज, C++. ओके, तो जो ये है दे आर मोस्ट रीडेबल, इसे जो है इजिली रीड किया जा सकता है. इन दीज द स्टेटमेंट्स आर इन इंग्लिश, इसके अंदर बस डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं. ओके, तो ये मोस्ट रीडेबल और मोस्ट अंडरस्टैंडेबल जो है हमारी लैंग्वेज है, इसलिए प्रोग्रामर्स जो है इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं. अब क्या बताया गया है कि एवरी CPU हैज इट्स ओन लैंग्वेज, हर CPU की अपनी अपनी लैंग्वेज है. तो प्रोग्रामर्स को क्या करना पड़ता है, रीराइट या रिकम्पाइल करना पड़ता है अपने प्रोग्राम को, ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को रन कर सके, चला सके. इसलिए कि उन्हें वो कैसे उसे रीराइट करें या रिकम्पाइल करें, तो उसके लिए क्या बनाए गए, लैंग्वेज प्रोसेसर्स. अब हम स्टडी करते हैं अपने लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में कि ये क्या है और इनका क्या मीनिंग है. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 3 types ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं. 3 type के होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा होता है. यस, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर इज द असेंबलर. असेंबलर क्या है, ये एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में. ओके, तो इसका क्या काम है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना. तो इसे हम कहते हैं असेंबलर. ओके, नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है वो है इंटरप्रिएटर. इंटरप्रिएटर क्या है, ये ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसके थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है. ओके, बट इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, लाइन बाय लाइन. इसका मतलब क्या है कि ये सारे प्रोग्राम्स को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करता है, बट ये लाइन बाय लाइन करता है. दैट मींस पहले एक स्टेप किया, फिर वो सेकंड स्टेप करेगा, फिर थर्ड स्टेप करेगा, और बाय चांस मान लीजिए सेकंड स्टेप में कोई एरर आ जाती है, कोई गलती आ जाती है, तो वो उसे डायरेक्टली तभी के तभी रिपोर्ट करता है कि यस, कि ये सेकंड स्टेप के बाद ही एरर आ रही है. ठीक है, और वो तब तक जो है आगे कंटिन्यू नहीं करता, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक जो हमारी एरर है उसे रेक्टिफाई ना किया जा सके या उसे करेक्ट ना किया जाए. तब तक जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके रखता है, और ये बाद में जैसे ही हमारी प्रॉब्लम जो है वो रेक्टिफाई हो जाती है एरर, तो तभी इसे जो है ये हमारा प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करने लग जाता है. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर इज द कंपाइलर. ये लास्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर है हमारा. कंपाइलर का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. बट क्या हुआ कि इंटरप्रेटर का काम भी यही था कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और कंपाइलर का कैसे हो गया ये काम. तो इसलिए इसके अंदर क्या फर्क है, हमने इंटरप्रेटर के लिए स्टडी किया कि लाइन बाय लाइन वर्क करता है,
बट कंपाइलर क्या है, एंटायर प्रोग्राम को एक ही बारी में एग्जीक्यूट कर देता है. क्या लिखा गया है, एंटायर प्रोग्राम इज इन वन गो. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसे काम जिसे जो भी दिया जाता है लाइन बाय लाइन नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटायर को एक साथ कर देता है. फिर अगर कोई एरर आई है तो उसे रिपोर्ट एट द लास्ट किया जाता है. ओके, और साथ में ये बताया जाता है कि ये इस स्टेप पर एरर आई थी या इस स्टेप पर नहीं आई थी. जब इन एरर्स को ठीक कर दिया जाता है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल हो जाता है, इसमें प्रोग्रामर को कुछ भी नहीं करना पड़ता. ओके, तो ये हमारा कंपाइलर हो गया. तो ये हमारी थी वीडियो, हमने यहाँ पे स्टडी किए अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में और 3 language processors के बारे में. ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज जो है वो आपको मिलती रहे. ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे.